हेलो गाइस, आज हम हेल्टर वी नेक की कटिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। ये मैंने बॉक्स पहले से ही काट रखी है इसकी, जो फ्रंट वाले की है ना, मैंने कटिंग कर रखी। ये बॉक्स अलग होएगा और कटिंग सब वैसे ही होएगी। तो ये बॉक्स बना दिया है हमने, और ऐसे ही बॉक्स हमें पेपर पेस्टिंग पे करनी है। वो कैसे करेंगे चलो सीखते हैं। तो हमने ये पेपर पेस्टिंग दे दी है, जैसे बॉक्स इस पे बनाया है ऐसे ही बॉक्स इस पे बनेगा। ये 3 इंच का यहाँ पे होएगा निशान, और 3.5 ऐसे ये आ जाएगी 3.5 इंच पे। तीन इंच का ये हो गया। और 8 इंच का जो नॉर्मल गला बनाते हैं वो निशान लगा लेंगे यहाँ से। वैसे अपनी आपने जितना ब्रॉड गला डालना है उसके अकॉर्डिंग आप लंबा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ये 8 इंच का ले लिया है। ये बॉक्स बन गया है। अब यहाँ से 1.5 इंच पे लेंगे हम। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा निशान। और अब हम इसी बॉक्स के अंदर यहाँ से 1.25 इंच पे लेंगे। 1.25 इंच पे यहाँ से थोड़ा छोड़ देंगे और 1 इंच यहाँ से लेंगे, और नीचे से 1.25 इंच यहाँ से लेंगे। ये हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। वी नेक, हेल्टर वी नेक, इन निशानों को मिला देते हैं। ये हमारी निशान लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी हेल्टर वी नेक कटिंग हो चुका है, जिसकी जितनी चौड़ाई यहाँ से है इतनी हम कपड़े पे लेंगे। कपड़े पे लगा के इसको पेस्ट करती हूँ मैं। ये मैंने पेस्ट कर लिया है, इस पे प्रेस से चिपका लिया है। अब इसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे। अब चलो मशीन पे चलते हैं। कि हमने इसके ऊपर रख लिया है, जैसे ये है ऐसे ही लगाएंगे हम बिल्कुल, जैसे गला बनाते हैं ना वैसे ही बिल्कुल सेंटर में। इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है। अब इसको कट कर देते हैं।
कट के निशान लगाएंगे। फिर ऐसे जुड़ेगा ये हमारा हीटर भी। पहले कंधे जोड़ते हैं, फिर देखना इसका लुक कितना सुंदर आएगा। बैक वाले पोर्शन की थोड़ी ही छटाई कर देते हैं। दो को जोड़ते हैं इसको, जो नॉर्मल सिलाई करते हैं वही। दो सिलाई लगा दी, फिर इसको इसके जोड़ेंगे, यहाँ से आएगा। ये दूसरे कंधे को भी स्टिच कर लेते हैं, यहाँ तक ही इस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान कंधे के लगा रखे तक। और अब पीछे वाले हैं उनको जोड़ेंगे। जो इसका मिडल पॉइंट है यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से लगाएंगे इन दोनों को बीच में, फिर यहाँ से ज्वाइंट करेंगे इसको। इस तरफ से भी मैं सिलाई लगा देती हूँ। किसी तरह भी अगर पूरा ले, कई तरह से बनता है। ये इसका दोनों का मिडल पॉइंट आ जाएगा। आप इस पे स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे यहाँ से। बिल्कुल इक्वल पकड़ेंगे इनको। इन दोनों को ऐसे करके इस पे सिलाई लगाएंगे और इस पे तुरपाई करेंगे। इसका लुक और अच्छा आएगा। अब इस पे सिलाई लगा देती हूँ। ये हमारा अल्ट्रा वी नेक
रेडी हो गया है बनने के बाद। कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। वी नेक मैंने पहली बार ही बनाया है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही इजी तरीके से समझाया मैंने। ओके बाय गाइज़।